एक्सपेरिमेंट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले किस तरह का लाइटर ले लेना जो अंदर से खाली होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, और इसे किसी भी चीज में इस तरह से फंसाकर इसके पीछे वाली साइड दो होल कर लेना, और अब इसे बाहर निकालकर इसके अंदर वाले डस्ट को बिल्कुल साफ कर लेना। फिर इसके पीछे जो हमने होल किया था उसमें इस तरह की लंबी कील घुसा देनी है, एक गिलास लेना, उसे ऊपर तक पानी से भर लेना, लगभग आधे से भी कम चम्मच बेकिंग सोडा लेकर पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने एक इंजेक्शन लेकर उसमें भर लेना, और लाइटर में जो हमने दूसरा होल किया था उसमें आराम आराम से तब तक भरना जब तक पूरा ऊपर तक ना भर जाए, और एक दूसरी कील लेकर इसमें इस तरह से डाल देनी है। जिस तरह से दोनों कील फिक्स करने के बाद आपने इसके पीछे इन कीलों को बेकिंग सोडा से भर देना। ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा गेरने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। और इस पर ग्लू की कुछ बूंदे गेरकर इस बेकिंग सोडा को इस पर जमा देना। अब हम करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब एक इस तरह की बैटरी ले लेनी है, इस तरह से लाइटर के पीछे लगी दोनों कीलों पर लगाकर लगभग 5 मिनट तक इसी पोजीशन में रखना, और आप यकीन नहीं करोगे कि आपका लाइटर चार्ज हो चुका है। ना कमाल की ट्रिक।